हेलो फ्रेंड्स ई सी आई यू पी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपको बताएंगे कि सी एस जे एम के जो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमेंट लगातार कर रहे थे रिज़ल्ट के बारे में और प्रमोशन के बारे में तो सबसे पहले तो हम आपको प्रमोशन की न्यूज़ देंगे उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको कानपुर यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में कोई भी जानकारी एडमिशन से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो बस आप कॉमेंट कर दीजिएगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ये चैनल यूपी का ही है तो यूपी की सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको पर डे प्राप्त होती रहती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा तो आज की हमारी क्या न्यूज़ है पहले हम वो जानते हैं और आपके मन के जितने डाउट हैं हमको कमेंट कर दीजिएगा हम एक डाउट क्लियरिंग वीडियो भी लेकर आएंगे सबसे पहले तो हम न्यूज़ जानते हैं न्यूज़ क्या है है ना ये न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन हम आज आपको क्लियर कर रहे हैं कि प्रमोशन से रिलेटेड जो मन बच्चों के मन में डाउट है उसको और फिर हम रिजल्ट के बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे देखिए न्यूज़ है एडहेरिंग द यू जी सी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन द यूपी गवर्नमेंट ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू एक्सेस द फाइनल सेमेस्टर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थ्रू एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन आइडर ऑनलाइन और ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड कैंसलिंग एग्जाम ऑफ ऑल अदर सेमेस्टर ईयर्स द गवर्नमेंट एट दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स टू बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेलुएशन एंड परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर ईयर ओवर थर्टी थ्री लैक्स स्टूडेंट्स विल भी प्रमोटेड अक्रॉस द स्टेट सीधा सीधा मतलब ये है कि फाइनल ईयर के छोड़ के जो न्यूज़ आई थी अंतिम वर्ष छोड़ के जो अन्य वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा और जो अंतिम वर्ष का आपका एग्जाम है वो तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा तो ब्लेंडेड मोड पे होगा उन्हें चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो वो यूनिवर्सिटी की ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना एग्ज़ाम लेती है क्योंकि यूजीसी ने भी ऑर्डर ये दिया था तो आगे क्या न्यूज है पहले वो जानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा हु होल्ड्स द एजुकेशन पोर्टफोलियो टोल रिपोर्टर्स यूनिवर्सिटीज़ वे आर बोथ एग्ज़ाम एंड एवेल्यूशन एंडेड बिफोर द लॉकडाउन विल हैव नो चेंजेस इन दियर रिजल्ट दिनेश शर्मा ने कहा कि जो जो कि यहाँ के एजुकेशन पोर्टफोलियो संभालते हैं मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूपी के उन्होंने यह कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉकडाउन से पहले एग्जाम हो चुका है या कॉपी चेक हो चुकी है उनका में उनके जो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल है तो फेल ही माने जाएंगे पास है तो पास ही माने जाएंगे अगर बैक लगा है तो बैक माना ही जाएगा यूनिवर्सिटी दैट वर अनेबल टू कंडक्ट एग्जाम हैव बीन आस्क टू कैरी आउट एंड एंडलूड द मार्क्स इन द फाइनल रिज़ल्ट जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम करवा लिया था मतलब कुछ एग्ज़ाम्स करा लिए थे वो अपना एवेल्युएशन करके जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें वो मार्क्स जोड़ सकते हैं है ना आगे है बिफोर द लॉकडाउन स्टूडेंट हु हैव अपियर्ड फॉर एग्जाम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लॉकडाउन से पहले जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे हैव क्वालिफाइड द एग्जाम एंड आर एलिजिबल फॉर बैक पेपर विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर जो कि किसी कारणवश अगर किसी में बैक उनका लग गया हो बैक पेपर समझ रहे हैं ना तो वो प्रमोट कर दिए जाएंगे क्या कर दिए जाएंगे प्रमोट कर दिए जाएंगे अगर आपका बैक पेपर लगता है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा <laughs> दोज हु हैव फेल्ड इन दीज एग्जाम्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अनसक्सेसफुल फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन जो लोग जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ ने लिए थे उसमें वो असफल पाए जाते हैं अनुतीर्ण पाए जाते हैं तो उनको पूरे साल में अनसक्सेसफुल ही माना जाएगा असफल माना जाएगा तो उनको फेल कर सकती है यूनिवर्सिटीज़ ये हमने आपको क्लियर कर दिया है जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा यूनिवर्सिटी का प्रमोशन रिजल्ट नहीं आया है उनको मैं जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बच्चे कमेंट करके लगातार पूछ रहे थे तो उनका डाउट क्लियर कर देते हैं आप प्रमोशन में फेल नहीं होंगे लेकिन अगर आप का बैक आता है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन अगर आप किसी जो पेपर कराएगा उसमें फेल होते हैं तो आपको अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि यही ऊपर से ऑर्डर मिला था जो एल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम ने कह दिया था कि प्रमोशन मिल जाएगा लेकिन अब यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं वो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज आपका प्रमोशन तो होना चाहिए नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि प्रमोशन होना चाहिए और क्योंकि सीएसडीएम के पास इतना टाइम नहीं है ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एग्जाम ले फिर रिजल्ट डिक्लेयर करे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्योंकि उनको नया शेड्यूल जो अपना नया सेशन है वो भी देर से वैसे भी लेट हो चुका है तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं वैसे चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें रिज़ल्ट से रिलेटेड जानकारी कल आपको प्रोवाइड करेंगे हम वीडियो में आज हमने आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर करे हैं इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके तो ये रहा हमारा आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद